आईडी टीवी प्रेजेंट दिल्ली में नंबर वन रहे और देश में नंबर दस रहे कीर्तिनगर थाना के एडिशनल एसएचओ सीएल मीना, इंस्पेक्टर निरीक्षण राजेश कुमार, बीट हवलदार विनोद व सिपाहियों के साथ रमेश नगर क्षेत्र में गश्त कर कानून व्यवस्था का जहां जायजा लिया, वहीं स्थानीय क्षेत्रवासियों में यह विश्वास उत्पन्न करने का काम किया कि कीर्तिनगर पुलिस आपकी सुरक्षा की दिशा में सक्रिय है। रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के पार्थिव शरीर पर मुख्यमंत्री बिहार ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस बात की जानकारी असिस्टेंट डायरेक्टर बिहार सूचना केंद्र दिल्ली लोकेश कुमार झा ने डीआईडी को दी। पूर्व रक्षा मंत्री एवं प्रख्यात समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ताउम्र एक समाजवादी नेता रहे फर्नांडिस अपने राजनीतिक कदमों के लिए भी लोकप्रिय रहे। ऐतिहासिक विजय चौक पर सशस्त्र सेनाओं की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों, जवानों के कदम ताल और रोशनी की जगमगाहट वाले बीटिंग द ट्री कार्यक्रम के साथ मंगलवार को गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। अयोध्या विवाद के बीच बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। राफेल डील को लेकर पिछले काफी समय से पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर पर हमला कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उनसे मुलाकात की। राहुल ने गोवा में सीएम कार्यालय में जाकर मनोहर पारिकर से भेंट की। भारतीय वायु सेना ने रक्षा मंत्रालय को खत लिखकर सरकारी क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रपोजल की खामियां गिनाई हैं। एचएएल में हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में हो रही देरी के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय को खत लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी से पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपीज 19 पैसे प्रति लीटर, डीजल 66 रुपीज 89 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आम आदमी पार्टी के 50 से अधिक विधायकों ने लोकायुक्त के समक्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करने से इनकार कर दिया है। आप विधायकों ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि संपत्ति का ब्यौरा मांगना लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यौन उत्पीड़न मामले में एमजे अकबर द्वारा मानहानि के मुकदमे का सामना कर रही पत्रकार प्रिया रामानी को दिल्ली की एक अदालत ने 25 फरवरी को पेश होने के लिए समन भेजा है। दिल्ली के द्वारका इलाके में ट्रकों से उगाही करने वाले नकली एसडीएम साहब को उसके दो बेटों के साथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी द्वारका सेक्टर 23 से हुई है। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से तनाव रहित परीक्षा एवं संबंधित पहलुओं पर बातचीत की। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स के सवालों के जवाब भी दिए। ये है डीआईडी में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए कल तक।